पंजाब को जीत के चाहिए थे आखिरी दो गेंद में 10 रन, फिर हुआ चमत्कार, पलट गया 20 साल का आईपीएल का इतिहास। तो आखिर क्या हुआ इस रोंगटे खड़े कर देने वाले पंजाब और हैदराबाद के महामुकाबले में? अंतिम गेंद तक चले इस मैच का पूरा हाईलाइट वीडियो में हम दिखाने जा रहे हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी धोनी रोहित को शानदार खिलाड़ी मानते तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और आईपीएल की न्यूज सबसे पहले अपने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आईपीएल 2024 के 23वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार शिखर धवन की पंजाब किंग्स के सामने पैट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में पंजाब के कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और हैदराबाद की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से हैदराबाद के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन पंजाब की तेज गेंदबाजी के आगे इस बार हैदराबाद की ये गजब के फॉर्म में चल रही ओपनिंग जोड़ी थोड़ी कमजोर दिखने लगी। पंजाब की तेज गेंदबाजी इस मुकाबले में गजब की गेंदबाजी कर रही थी और फिर पारी का चौथा ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह ने सेट हो चुके ट्रैविस हेड को शिखर धवन के हाथों कैच आउट कर दिया। ट्रैविस हेड 15 गेंद में 21 रन बनाकर आउट हो गए। ट्रैविस हेड के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब हैदराबाद की टीम की तरफ से एडन मार्करम बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन एडन मार्करम को भी अर्शदीप सिंह ने अपनी इसी ओवर में जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। एडन मार्करम बिना खाता खोले ही आउट हो गए। पंजाब की गेंदबाजी इस मुकाबले में आग उगल रही थी। शिखर धवन अपने गेंदबाजों से बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। अब बल्लेबाजी के लिए नीतीश रेड्डी मैदान में उतरे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके अभिषेक शर्मा ने गेंदबाजी पर आए सैम करन को एक गजब का छक्का लगा दिया, लेकिन सैम करन ने भी हार नहीं मानी और अपनी इसी ओवर में अभिषेक शर्मा को सैम करन ने शशांक सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा 11 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हो गए। देखते ही देखते हैदराबाद के टॉप के तीन बड़े बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे। पंजाब की गेंदबाजी कमाल की गेंदबाजी कर रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए राहुल त्रिपाठी मैदान में उतरे और फिर यहां से नीतीश रेड्डी और राहुल त्रिपाठी ने मिलकर हैदराबाद की पारी के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। नीतीश रेड्डी इस मुकाबले में बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद पंजाब की गेंदबाजी ज्यादा कोई हाथ खोलने का मौका हैदराबाद के बल्लेबाजों को नहीं दे रही थी, जिस वजह से दबाव अभी भी हैदराबाद की टीम के ऊपर बढ़ रहा था। और फिर इसी दबाव की वजह से पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी पर आए हर्षल पटेल ने राहुल त्रिपाठी को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। राहुल त्रिपाठी 14 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। अब हैदराबाद की बल्लेबाजी पूरी तरह बैकफुट पर थी, लेकिन अब मैदान पर हैदराबाद के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज हेनरी क्लासेन मैदान में उतरे, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे नीतीश रेड्डी के बल्ले से लगातार बड़े शॉट देखने को मिल रहे थे। नीतीश रेड्डी की बल्लेबाजी को देखकर खुद हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस तक हैरान थे। नीतीश रेड्डी ने अब हेनरी क्लासेन के साथ मिलकर फिर एक बार हैदराबाद की टीम के लिए साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था, जिसने अब हैदराबाद की टीम के इस मुकाबले में फिर एक बार वापसी कर दी थी। पारी के 11वें ओवर में गेंदबाजी पर आए हरप्रीत बरार को नीतीश रेड्डी और हेनरी क्लासेन ने मिलकर एक छक्का और दो चौके लगा दिए थे। अब कहीं ना कहीं पंजाब की गेंदबाजी भी इस मुकाबले में दबाव महसूस करने लगी थी, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए हर्षल पटेल ने हेनरी क्लासेन को सैम करन के हाथों कैच आउट कर दिया। हेनरी क्लासेन 9 गेंद में बस 9 रन बनाकर आउट हो गए। हेनरी क्लासेन का विकेट हैदराबाद के लिए सबसे बड़ा झटका था। जिस समय पर हैदराबाद को हेनरी क्लासेन जैसे बल्लेबाज की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी समय पर हर्षल पटेल ने यह विकेट निकालकर हैदराबाद की टीम के ऊपर दबाव और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। अब अब्दुल समद मैदान में उतरे थे और फिर अब्दुल समद ने आते ही दो गजब के चौके लगा दिए। पंजाब की गेंदबाजी हेनरी क्लासेन के विकेट के बाद खुशी मना रही थी, लेकिन उनका नीतीश रेड्डी को कम आंकना अब उन्हें मुश्किल में डालने वाला था और ऐसा ही हुआ और नीतीश रेड्डी ने अब अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। नीतीश रेड्डी इस मुकाबले में ऐसी अविश्वसनीय बल्लेबाजी कर रहे थे जिसने विरोधी कप्तान शिखर धवन के तक होश उड़ा दिए थे और फिर पारी का 15वां ओवर डालने आए हरप्रीत बरार को फिर एक बार नीतीश रेड्डी ने दो छक्के और दो शानदार चौके लगाते हुए इस ओवर में 22 रन बना लिए। तो वहीं इसी के साथ नीतीश रेड्डी ने अपना अर्धशतक भी इस मुकाबले में पूरा कर। अब इसी के साथ हैदराबाद की टीम ने पंजाब की गेंदबाजी के सामने फिर एक बार वापसी करके दिखाई। हेनरी क्लासेन और ईडन मार्करम जैसे दिग्गज बल्लेबाजों के नाकामयाब होने के बावजूद भी हैदराबाद के नौजवान
भारतीय बल्लेबाजों ने गजब का प्रदर्शन करके दिखाया था, तो वही दूसरे छोर से अब्दुल समद ने भी अब बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था और फिर इसी बीच दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। नीतीश रेड्डी और अब्दुल समद में मिलकर अब अपनी टीम को 150 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन फिर पारी का 17वां ओवर डालने आए पंजाब के सबसे खतरनाक गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने सेट हो चुके अब्दुल समद को हर्षल पटेल के हाथों कैच आउट कर दिया। अब्दुल समद 12 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं अर्शदीप सिंह यहीं पर नहीं रुके और अपने इसी ओवर में पंजाब की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके नीतीश रेड्डी को कागिसो रबाडा के हाथों कैच आउट कर दिया। नीतीश रेड्डी 37 गेंद में 64 रनों की लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए। हर्षदीप सिंह ने फिर एक बार आकर अपनी टीम की इस मुकाबले में वापसी कर दी थी। दोनों ही सेठ बल्लेबाजों के आउट हो जाने के बाद अब हैदराबाद की टीम दबाव में थी, तो वही विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए पैट कमिंस को भी कागिसो रबाडा ने क्लीन बोल्ड कर दिया। हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस 4 गेंद में बस 3 रन बनाकर आउट हो गए। अब आखिरी के ओवरों में हैदराबाद की टीम के लिए रन बनाने की पूरी जिम्मेदारी अब शाहबाज अहमद के ऊपर आ चुकी थी और फिर पारी के 19वें ओवर में शाहबाज अहमद ने विकेट निकालने वाले अर्शदीप सिंह को एक छक्का और एक गजब का चौका लगा दिया और फिर इस पारी के आखिरी गेंद पर जयदेव उनादकट ने एक शानदार छक्का लगा दिया और इसी के चलते हैदराबाद की टीम 182 रनों का एक बड़ा लक्ष्य पंजाब की टीम के आगे रख पाई। उसके बाद हैदराबाद से मिले 183 रनों की विशाल लक्ष्य का पीछा करने पंजाब के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। पंजाब के कप्तान शिखर धवन और जॉनी बेयरस्टो के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन पंजाब की इन उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में ही हैदराबाद की तेज गेंदबाजी ने तोड़ दिया और पारी का दूसरा ही ओवर डालने आए हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने जॉनी बेयरस्टो को क्लीन बोल्ड कर दिया। जॉनी बेयरस्टो बिना खाता खोले ही आउट हो गए। जॉनी बेयरस्टो के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब पंजाब की टीम की तरफ से प्रभसिमरन सिंह बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन प्रभसिमरन सिंह को भी उसकी अगली ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने नीतीश रेड्डी के हाथों कैच आउट कर दिया। प्रभसिमरन सिंह 6 गेंद में बस 4 रन बनाकर आउट हो गए। पारी के शुरुआत में ही पंजाब की टीम को दो सबसे बड़े झटके लग चुके थे। हैदराबाद की गेंदबाजी इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए सैम करन मैदान में उतरे थे, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे पंजाब के कप्तान शिखर धवन को भुवनेश्वर कुमार ने अपने अगली ही ओवर में हेनरी क्लासन के हाथों स्टंप आउट कर दिया। पंजाब के कप्तान शिखर धवन 16 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए। पंजाब की बल्लेबाजी ने अब सभी को निराश कर दिया था। हैदराबाद की गेंदबाजी के सामने पंजाब की पूरी बल्लेबाजी अब दबाव में थी। अब बल्लेबाजी के लिए सिकंदर रजा मैदान में उतरे और फिर यहां से सैम करन और सिकंदर रजा ने पंजाब की पारी को संभाला और विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खास करके सैम करन इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों के बीच अब एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनती जा रही थी, जिसने अब पंजाब की बल्लेबाजी पर से दबाव कम करना शुरू कर दिया था। सैम करन और सिकंदर रजा ने मिलकर अब अपनी टीम को 58 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए टी नटराजन ने सेट हो चुके सैम करन को पैट कमिंस के हाथों कैच आउट कर दिया। सैम करन 22 गेंद में 29 रन बनाकर आउट हो गए। पंजाब के बल्लेबाजी के लिए मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हैदराबाद की गेंदबाजी ने फिर एक बार पंजाब की एक महत्वपूर्ण साझेदारी को तोड़ दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए पंजाब के पिछले मुकाबले के हीरो शशांक सिंह मैदान में उतरे और फिर यहां से शशांक सिंह के साथ मिलकर सेट हो चुके सिकंदर रजा ने पंजाब की इस पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। सिकंदर रजा इस मुकाबले में धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन पंजाब की टीम के ऊपर रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था और फिर इसी दबाव की वजह से सिकंदर रजा को जयदेव उनादकट ने हेनरी क्लासन के हाथों कैच आउट कर दिया। सिकंदर रजा 22 गेंद में 28 रन बनाकर आउट हो गए। अब पंजाब की टीम इस मुकाबले में बहुत ही दबाव में थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए जितेश शर्मा मैदान में उतरे थे और फिर जितेश शर्मा ने आते ही बड़ी शॉट खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर जितेश शर्मा को भी नीतीश रेड्डी ने अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। जितेश शर्मा 11 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए। नीतीश रेड्डी अब बल्लेबाजी के साथ साथ अपनी गेंदबाजी से भी पंजाब की टीम के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे थे। अब बल्लेबाजी के लिए आशुतोष शर्मा मैदान में उतरे। अब इन दोनों के कंधों पर ही पंजाब की इस मुकाबले में जीत टिकी हुई थी। अब पंजाब को जीत के लिए आखिरी 4 ओवर में 67 रनों की जरूरत थी और फिर इस पारी का 17वां ओवर डालने आए भुवनेश्वर कुमार की इस ओवर में शशांक सिंह का बल्ला चला और शशांक सिंह ने भुवनेश्वर कुमार जैसे अनुभवी गेंदबाज को 3 चौके लगा दिए और इस ओवर में पंजाब की टीम को 17 रन मिल गए। शशांक सिंह इस मुकाबले में भी गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। अब इस पारी का 18वां ओवर हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस डालने आए और फिर इस ओवर में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस को आशुतोष शर्मा ने 2 गजब
सबके चौके लगा दिए, जिस वजह से इस ओवर में पंजाब को 11 रन मिले। अब पंजाब को जीत के लिए 12 गेंदों में 39 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला लगातार रोमांचक हो रहा था और फिर इस पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी पर आए टी नटराजन की। इस ओवर में आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह ने 2 चौके लगाते हुए 10 रन निकाल लिए, जिस वजह से अब आखिरी 6 गेंदों पर पंजाब को 29 रन चाहिए थे। नौजवान आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह ने अकेले के दम पर इस मुकाबले को आखिरी ओवर तक खींच लिया था। अब इस पारी का निर्णायक और अंतिम ओवर जयदेव उनादकट डालने आए और इस ओवर की पहली ही गेंद पर आशुतोष शर्मा ने एक बड़ा शॉट खेला जो सीधे हैदराबाद के फील्डर के हाथ से निकलकर छक्के के लिए चला गया, जिस वजह से अब पंजाब को 5 गेंदों में 23 रन चाहिए थे। लेकिन दबाव भरे इस मुकाबले में जयदेव उनादकट की गेंदबाजी पर भी बहुत ही ज्यादा दबाव था और इसी वजह से अगली 2 गेंदों पर जयदेव उनादकट ने 2 व्हाइट बॉल डाल दी, जिस वजह से अब 5 गेंद में पंजाब को 21 रन चाहिए थे। लेकिन उसकी अगली भी गेंद पर इस ओवर की पहली ही गेंद की तरह आशुतोष शर्मा ने बड़ा शॉट खेला जो अब्दुल समद के हाथ से निकलकर छक्के के लिए चला गया। अब तक हैदराबाद की फील्डरों ने 2 क्या छोड़े थे जो सीधे छक्के के लिए चले गए थे। अब 4 गेंद में पंजाब को 15 रन चाहिए थे। मुकाबले ने रोमांच की हर एक सीमा को तोड़ दिया था, लेकिन इस ओवर में जयदेव उनादकट की अगली 2 गेंदों पर आशुतोष शर्मा को 4 रन ही मिले। अब पंजाब को जीत के लिए आखिरी 2 गेंदों पर 11 रन चाहिए थे, लेकिन फिर जयदेव उनादकट ने अगली ही गेंद व्हाइट बॉल डाल दी, जिस वजह से अब पंजाब को 2 गेंदों में 10 रन जीत के लिए चाहिए थे। सभी की नजरें अब स्ट्राइक पर खड़े आशुतोष शर्मा के ऊपर थी, लेकिन आशुतोष शर्मा ने इस ओवर की 5वीं गेंद पर भी बड़ा शॉट खेला, लेकिन वह गेंद सीधे राहुल त्रिपाठी के हाथ में चली गई, लेकिन राहुल त्रिपाठी ये कैच भी पकड़ नहीं पाए। हैदराबाद की टीम की तरफ से इस आखिरी ओवर में ये 3रा कैच छोड़ा गया था, लेकिन इसके बावजूद इस गेंद पर केवल 1 ही रन मिला, जिस वजह से अब आखिरी गेंद पर पंजाब को 9 रन चाहिए थे। लेकिन अब स्ट्राइक पर आए शशांक सिंह ने एक गजब का छक्का लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद हैदराबाद की टीम ने केवल 2 रनों से इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबला को जीत कर इतिहास रच दिया। लेकिन इसके बावजूद पंजाब के बल्लेबाजी ने हैदराबाद की गेंदबाजी को आखिरी ओवर तक टक्कर दी। आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह ने फिर एक बार इस मुकाबले के अंत में अपनी टीम के लिए ऐसी गजब की पारियां खेली जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। और आईपीएल की न्यूज सबसे पहले अपने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।